I'm sorry, sir. उस दिन मैंने आपको कुछ नहीं बताया. मुझसे कुछ पूछा ही नहीं क्या था. वो लोग चार लोग थे और उन लोगों ने मेरे साथ, सर मैं उन्हें उतना ही दुख देना चाहती हूँ जितना उन्होंने से 100 गुना ज्यादा शायद. सर मैं नींद में थी और वो लोग चार थे. अगर एक या दो होते तो मैं कुछ करती, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती और शायद ये सब ना होने देती. रत्ना बेटा, इस हादसे को भूलने की कोशिश करो. और जहां तक बात है दर्द की, कानून उन्हें दर्द देगा, ऐसा दर्द देगा कि सालों तक भुगतेंगे वो उसे. डरपोक लोग हैं, वो डर रहे हैं तुमसे, हमसे. डर के मारे तुम दबाकर भाग रहे हैं, लेकिन कहां तक भागेंगे, कहां तक छिपेंगे? पकड़े जाएंगे. आई प्रॉमिस यू बेटा, हम उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचा कर रहेंगे. तुमने ये सारी बातें बताकर अपने सीने का बोझ हल्का कर लिया है. अब वो बुजदिल कभी तुम्हें सपनों में दिखाई नहीं देंगे. बेटा एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारे स्केच आर्टिस्ट को उन लोगों के चेहरे की डिटेल्स देने में हमारी मदद करोगी? बच्ची है मेरी, 12वीं में है. मैं नहीं चाहता कि दुनिया को इसके बारे में पता चले. टूट जाएगी वो सर. नरेश जी, हमें आपकी बेटी की हेल्प सिर्फ उन लोगों के स्केचेस बनाने के लिए चाहिए. आप फिक्र मत कीजिए, बहुत स्ट्रांग है आपकी बेटी, बहादुर है. मैं समझ सकता हूं, चिंता मत कीजिए आप, आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी. सर, सर इतनी सारी कॉमन बातों के बाद भी एक बात और है जो इन दोनों केसेस में कॉमन है. नरेश जी, डॉक्टर नरेश अग्रवाल. विक्टिम कंचन चौधरी, डॉक्टर. नरेश जी, डॉक्टर. एक मिनट, ऐसा ही एक और केस भी हुआ था यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर. आउटर फरीदाबाद का केस है. इस केस के होने से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले का केस था. वो केस क्या है? वहां भी एक फैमिली है, जैन फैमिली, डॉक्टर विकास जैन. हमें इस डॉक्टर विकास जैन की फैमिली से भी मिलना होगा. तीनों केसेस में लगभग एक जैसा पैटर्न इस्तेमाल हुआ है. कोई पर्सनल एंगल हो सकता है. ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि तीनों डॉक्टर के घर हैं और तीनों पर अटैक होता है. अस्सलाम वालेकुम खाला. आओ बेटा, अंदर आओ. अरे नहीं नहीं, फिर कभी खाला, ये आपके लिए भेजा है. ये तो बताओ, मेरा कलीम कैसा है? भालो बच्चे, अच्छा है. क्या बताऊं आपको, सब कुछ तो बता चुका हूं इन्हें मैं. अब मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए और कुछ नया नहीं है.
क्या चाहते क्या है आप, बताएंगे मुझे? जिन चार लोगों ने आपके घर को लूटा, उन्होंने यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक और फैमिली पर हमला किया और उसके कुछ महीनों बाद जोधपुर में एक फैमिली को अपना निशाना बनाया। हम बस उन चारों मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं। तो पकड़िए ना उन्हें। बार बार मुझसे वही वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि बार बार वही वही सवाल करने के बावजूद हमें हमारे सवालों के सही सही जवाब नहीं मिल रहे। जो हुआ वो सही सही बताया मैंने आपको। उन लोगों ने हमें बांध दिया और हमारे घर को लूटा, कैश ले गए और मेरी कार भी ले गए, जो हमें आपके घर के 5 किलोमीटर दूर मिली। इसमें चाबी लगी हुई थी और आपके घर के सारे मोबाइल्स के सिम कार्ड्स आपकी गाड़ी में ही थे। आपको मेरी कार और सिम कार्ड्स मिले, और क्या? और क्या पूछना चाहते हैं आप? चार लोग थे, मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, ढके हुए थे। कपड़ों से ढके हुए थे? कपड़ों से ढके हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, वो चार लोग आपको मिल जाए ना तो उन्हें छोड़िएगा मत, गोली मार दीजिएगा, वहीं पे खत्म कर दीजिएगा प्लीज। आप लोगों ने पकड़ लिया है क्या? हाँ बोलिए, आप लोगों ने पकड़ लिया है क्या उन्हें? अभी नहीं पकड़ा है लेकिन। तो फिर आप क्यों कुरेद रहे हमें? दिखता नहीं है आपको मेरी बीवी को कितनी तकलीफ हो रही है? फिर से वही वही सवाल, वही यादें, वही। देखिए मैं आपको नहीं जानता, पहले ये आए, इन्होंने हमसे 1000 सवाल किए, सिर्फ सवाल किए, फिर कुछ नहीं हुआ, महीने बीत गए, अब आप आधम के हो और आप भी वही के वही सवाल कर रहे हो। फिर क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ? ये सवाल करने से वो फरार पकड़े जाएंगे क्या? वो जंगली कुत्ते तो अभी भी आराम से घूम रहे होंगे ना। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचते हैं। कब पकड़ पाएंगे आप उन चारों को? कभी पकड़ पाएंगे भी या नहीं? देखिए हम पर क्या बीती हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप बार बार यहां आकर वही वही सवाल पूछ के हमारा दर्द कम करने के बजाय हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। हमारा इरादा आपके दर्द को बढ़ाने का नहीं, बल्कि जिन लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा जुर्म किया है उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाने का। तो पहुंचाइए ना, पीटिए उन्हें, घसीट घसीट के ले जाइए और फांसी के फंदे पर लटका दीजिए उन्हें। हमारे अलावा और दो घर लूटे हैं ना उन्होंने। क्यों लूटे? क्योंकि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इन्होंने उन लोगों को सही वक्त पर खत्म नहीं किया और अब आप भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे। तो पता नहीं वो लोग किसके घर में अपना कांड फिर से कर रहे होंगे। कभी कभी तो सोचता हूं कि हमें पुलिस की जरूरत ही क्या है। देखिए डॉक्टर साहब, हम इन तीनों अटैक्स को मैच कर रहे हैं और मैच करने से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इन तीनों अटैक्स में सेम सामने आ रही हैं। आप फरीदाबाद के ही डॉक्टर नरेश अग्रवाल को जानते हैं? मैं किसी नरेश अग्रवाल को नहीं जानता। जोधपुर की डॉक्टर कंचन चौधरी? नहीं। डॉक्टर नरेश अग्रवाल ऑर्थोपेडिक और डॉक्टर कंचन चौधरी जनरल फिजिशियन है। तो मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ लेकिन आपके किसी पेशेंट का कोई ताल्लुक हो सकता है। हो सकता है आपने अपने किसी पेशेंट को डॉक्टर चौधरी या डॉक्टर अग्रवाल को रेफर किया हो, या उन्होंने अपने किसी पेशेंट को आपको रेफर किया हो। मैंने कहा ना, मैं किसी नरेश अग्रवाल या कंचन चौधरी को नहीं जानता हूं। अब आप लोग हमें अकेला छोड़ेंगे भी या नहीं? देखिए मैं मानता हूं आपका गुस्सा जस्टिफाइड है, बहुत बड़ा जुर्म हुआ है आपके साथ और वो लोग अभी तक खुला घूम रहे हैं, वो पकड़े जाने चाहिए थे। कहीं ना कहीं गलती है हमारी। गलती है आपकी, मानते हैं आप। ये बोलने से आप बच नहीं सकते इंस्पेक्टर,
आप और वो सारे पुलिस वाले जो मुजरिमों को नहीं पकड़ पाते, यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. यस वी आर रिस्पॉन्सिबल. लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे. जिन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है वो पकड़े जाएंगे, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा. आई प्रॉमिस यू डॉक्टर चैन. एक रिक्वेस्ट है आपसे. आपके क्लिनिक में और आप जिन जिन हॉस्पिटल में विजिट करते हैं वहां पर जितने भी आपके पेशेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए. और खास करके आपके वो पेशेंट जिनसे आपका कभी कोई झगड़ा हुआ हो या उनका आपसे कोई झगड़ा हुआ हो, ट्रीटमेंट को लेकर, फीस को लेकर या किसी भी बात को लेकर. प्लीज. डॉक्टर नरेश अग्रवाल ऑर्थोपेडिक फरीदाबाद और डॉक्टर विकास जैन न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ये भी फरीदाबाद बेस्ड है. मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है कि डॉक्टर नरेश और डॉक्टर विकास से कभी मिली हूँ. हाँ लेकिन हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बट इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली ऐसा कुछ याद नहीं है. कंचन जी आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी पेशेंट हैं सबकी एक लिस्ट बनाइए, खास करके वो लोग जिनका आपके साथ कोई द्वेष, गुस्सा या आपसे कोई दुश्मनी रही. दुश्मनी? पेशेंट की मुझसे दुश्मनी? कभी ट्रीटमेंट को लेके या फीस को लेके किसी भी पेशेंट से कोई अनबन या झगड़ा कुछ भी हो? ऐसा कुछ है तो नहीं. फिर भी डॉक्टर, अच्छा होगा आप अपनी याददाश्त पर जोर डालें और एक लिस्ट बनाएं अपने नए पुराने सभी पेशेंट्स की. रत्ना बेटा, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी. शोभा जी, अब आप लोग घर जा सकते हैं और निश्चिंत रहिए, ये चारों बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे. सुधीर, अब हम जोधपुर लौटेंगे, नया ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, तुम यहां पर करना. राइट. इंटरेस्टेड ढूंढना होगा, एक बार बस ये हाथ में आ जाए बाकी के तीन भी हाथ में आ जाएंगे. डॉक्टर्स के पेशेंट्स की लिस्ट भी आ जाए तो हम उन्हें भी मैच करेंगे. वैसे मुझे इन सारे अटैक्स में कोई पैटर्न जरूर लग रहा है. बिल्कुल, पैटर्न एक ही है, इसमें कोई शक नहीं. इतने स्केच को ध्यान से देखो और अपने बंगाल में एक एक जिला, एक एक गांव, कस्बा, हर जगह ढूंढो. अपने सारे आदमी को काम पे लगा दो, टाका टेंशन नहीं, जो खर्चा होगा हम देगा. लेकिन तड़ातड़ी खबर निकालो, मामला खूब गरम, बुझले? ये स्केच है और शायद ये टीम का लीडर है. दूसरे बंदे की रफ स्केच है तेरे पास? हाँ मैडम है. अब हमारे पास दिन के 24 नहीं 28 घंटे होंगे, तब तक जब तक ये और इसकी पूरी गैंग नहीं मिल जाती. समझ गया मैडम. टिप की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मुझे ये आदमी किसी भी हाल में जल्द से जल्द चाहिए. उस्मान, आज तक तूने मेरे लिए जितने लोगों को ढूंढा है वो सारे एक तरफ और ये चारों एक तरफ. टिप तुझे चार गुना मिलेगी, पर मुझे ये लोग चाहिए, मतलब चाहिए. जी सर. ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, कौन इन्हें लेके आया, एक एक डिटेल चाहिए मुझे, समझा? गिरोह के एक सदस्य के पक्के स्केच के आधार पर बड़े पैमाने पर इंटरस्टेट सर्च ऑपरेशन दोबारा से लॉन्च हुआ. खबरियों का हर नेटवर्क ओवरटाइम कर रहा था. फरीदाबाद के डॉक्टर नरेश अग्रवाल और डॉक्टर विकास जैन और जोधपुर की डॉक्टर कंचन चौधरी ने अपने अपने पेशेंट्स की लिस्ट भेजी. एक एक नाम स्कैन हुआ ये पता करने के लिए कि क्या ये तीन अटैक्स जुड़े हुए थे. ये तीनों डॉक्टर्स जिस जिस हॉस्पिटल में कंसल्टेंसी करते थे वहां पुलिस ने पूछताछ की, ये पता लगाने के लिए कि क्या इन तीनों डॉक्टर्स में कोई कनेक्शन था. पुलिस उस एक सिंगल सुराग की तलाश में थी जो उन्हें जल्द से जल्द इन हमलावरों तक पहुंचा सकता. इस गिरोह की दरिंदगी और वहशियत के शिकार जो हुए थे वो सभी अब काफी अचरज में थे कि ऐसा कौन था उनके अतीत में जिसने इतने क्रूर तरीके से उनके साथ प्रतिशोध लिया. पैकेट अमी तुम्हारे अमी के दीदी सी, बाकी सबके घर में भी दे दिया है. अब जल्दी बोलो मामला कैसा है, अभी गर्म है क्या? तीन घरों में डकैती और गैंगरेप करने वाला चार लोगों का ये गिरोह
पुलिस के शिकंजे से फिलहाल बहुत दूर था। पेशेंट्स वाला एंगल जो पुलिस टटोल रही थी वो उन्हें कोई ब्रेक थ्रू नहीं दे रहा था। और फिर एक ऐसी खबर आई जिससे मौजूदा माहौल में और उलझन पैदा हो गई। जी हाँ, कल ही रोहतक से खबर आई। मैं डॉक्टर धीरजपुरी से मिलकर भी आया। फिर से एक डॉक्टर का घर? हाँ, सेम पैटर्न। सबको बांधा गया, कैश लूटा गया और उसके बाद डॉक्टर पुरी की वाइफ के साथ रेप किया गया। चार हमलावर थे? चार हमलावर, सेम मोडस ऑपरेंडी। किचन का ग्रिल काट कर आए थे, पक्का वही है। डॉक्टर धीरज पुरी और उनकी वाइफ पर अटैक डॉक्टर विकास जैन और उनकी वाइफ के अटैक से ठीक दो महीने पहले किया गया। सेम मोडस ऑपरेंडी। फिर से डॉक्टर का घर, अकेला बंगला, ना सिक्योरिटी गार्ड, ना सीसीटीवी कैमरा, हाईवे के एकदम करीब। सेम पैटर्न, अपने साथ कार और मोबाइल फोन ले गए और किसी सुनसान जगह पर कार और सिम कार्ड छोड़ दिए, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट लेकर गए। सर, हो सकता है जो एंगल हम प्रूव कर रहे हैं वो एक कोइंसिडेंस हो, इन चारों केसेस में कोई कनेक्शन ही ना हो। चलो मान लेते हैं, हो सकता है। और अगर ये एंगल नहीं भी है, ये सिर्फ रैंडम टारगेट्स थे हमलावरों के, तो भी कोई ना कोई एंगल होना चाहिए जिसकी वजह से ये बिना डर के, बिना रोक टोक के एक के बाद एक क्राइम करते जा रहे हैं और हम इनके पैटर्न को क्रैक नहीं कर पा रहे। ये बेलगाम इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि सही वक्त पर इनको लगाम लगाई नहीं गई। इन चारों केसेस में एक और बात कॉमन है, किसी भी घर में फाइट बैक नहीं हुआ, किसी ने भी इन चारों को चैलेंज नहीं किया, जवाबी जख्म नहीं दिए। सर, हो सकता है कि पेशेंट्स वाले कोई कनेक्शन ना हो, बल्कि इनका कोई स्पॉटर हो जो ऐसे घर ढूंढता है जिन पर अटैक करना आसान हो। अगर कोई ऐसा स्पॉटर है तो फिर कमाल का स्पॉटर है, तारीफ करनी पड़ेगी उसकी। जोधपुर, रोहतक, फरीदाबाद, तीन तीन शहरों में वो चार फैमिलीज को स्पॉट करता है, एक ऐसे गैंग के लिए जिसका लहजा बंगाली है। चारों फैमिली डॉक्टर्स की, इंडिपेंडेंट बंगलो जहां पर ना कोई सिक्योरिटी गार्ड है, ना सीसीटीवी कैमरा। सबके सब बंगलो हाईवे से सिर्फ 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस हों जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन क्यों नहीं है? क्योंकि तमाम सिस्टम होने के बावजूद हमारा तालमेल ठीक नहीं है, इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती है तो बहुत देर से पहुंचती है, तब तक आरोपी और जुर्म कर चुका होता है। अबे सर, शायद तुम सही कह रहे हो, शायद कोई स्पॉटर होगा जो इन घरों को पहचानता होगा। हमें चौधरी बंगले में एक बार फिर जाना चाहिए। ये घर टारगेट करना आसान है, अलग है तो पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी नहीं थी। सर, जितेंद्र चौधरी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है और उसकी वाइफ डॉक्टर है। सही, कोई भी अंदाजा लगा सकता है घर पे कैश और ज्वेलरी मिल सकती है। कैश और ज्वेलरी के अलावा ये चारों हवस मिटाने के लिए भी जुर्म करते हैं। एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ गैंगरेप ना हुआ हो। यू आर राइट, यही समझ में नहीं आ रहा है कि चोर आखिर चाहते क्या थे, रेप या फिर लूट। अजीब सी बात है, हमारे खबरी नेटवर्क ने भी 0 रिजल्ट्स दिए हैं। सर, ये लोकल हिस्ट्री शीटर्स के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं बन पाया है। बंगाली लहजे में बातें करते हैं, ये भी तो हो सकते हैं चारों बंगाल से हों। सर, वेस्ट बंगाल की पुलिस भी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं भेज पाई है। तो फिर कौन हो सकते हैं ये, और इन शहरों में इनका क्या कॉन्टैक्ट नेटवर्क है जो एक जैसे विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करता हो। जी नहीं मैडम, मैं तो यहाँ सबके घर से कचरा इकट्ठा करके यहाँ जमा करती हूँ, इतना समय ही कहाँ होता है कि कहीं और देखूँ। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कभी तुमने किसी को देखा घरों में झांकते हुए या पूछताछ करते हुए? जी, मैं तो अपने कामों में ही लगी रहती हूँ, इतना टेम ही कहाँ होता कि यहाँ वहाँ देख सकूँ। ये जितेंद्र चौधरी के घर में जो कांड हुआ है उसके बारे में तो तुझे पता होगा? पता चला मैडम जी, लेकिन हुआ क्या ये नहीं जानती। बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ आई थी, देखा मैंने, लेकिन इन लोगों के घर में क्या होता है हम जैसे लोगों को कहाँ पता होता है। नाम क्या है तेरा? यास्मीन जाफरी। कहाँ रहती है? वो चंदन बाग के पीछे वाली बस्ती में। सर, मैंने डॉक्टर अग्रवाल और डॉक्टर जैन दोनों के घर के बाहर अपने आदमी लगाए हुए हैं, ये देखने के लिए कोई ऐसा तो नहीं जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं। अपनी सर्च कंटिन्यू रखो सुधीर, एक भी और क्राइम होना नहीं चाहिए, बाद में हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इसे रोक सकते थे। सही कह रहे हैं सर। सर, चारों क्राइम सीन से चुराए गए फोन्स की IMEI ट्रैकिंग चल रही है सर। वो तो महीनों से चल रही है, बस हर 2-3 हफ्तों में कुछ फोन ऐड हो जाते हैं, लेकिन एक भी फोन स्विच ऑन नहीं हुआ है। हो सकता है सर अभी तक बेचा ही ना हो। लेकिन क्यों नहीं बेचे?
ये लोग 8-10 मोबाइल का कर क्या रहे होंगे? मैडम हम पूरा ट्राई कर रहा है, एक भी दिन नहीं गया स्केच लेके घूमे बिना, लेकिन पता नहीं लग पा रहा ये आदमी अदुसेंस का स्केच है, ये बंगाल के किस कोने से निकले? बिहार, वहाँ भी बंगाल के कुछ लोग रहते हैं और बंगाली लहजे में बात करते हैं। हम उधर भी 4 आदमी लगाए मैडम फील्डिंग के लिए, लेकिन अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है। खबर आते आपको फोन करेंगे। यार उस्मान, यहाँ तो जान पर आ पड़ी है इन लोगों तक पहुँचने में। कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा इस बार। मीरा मैडम को मैंने जवान भी दे दिए, अगर कोई खबर नहीं लाया तो एक खबरी वाली लाइन छोड़ दूंगा। ये साले कहाँ से आए थे और किस बिल में छुपे कुछ पता नहीं चल रहा। इस केस में चारों आरोपियों के अब तक कोई साये तक नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो लोग पुलिस से 2 कदम नहीं बल्कि 2 मील आगे थे, क्योंकि कोई उन्हें लगातार खबर देता जा रहा था। पर ये कब तक चलता? हर बेलगाम घोड़े की लगाम एक दिन कसती ही है। शीतल और कितने पेशेंट्स हैं? अच्छा 2 मिनट बाद भेज देना ना। मैम नेक्स्ट पेशेंट अंदर भेजूं? हाँ भेज दो। शीतल, शीतल। यस मैम। रुको, 5 मिनट बाद भेज देना, ठीक है? 5 मिनट दो मुझे। हेलो कंचन जी। ये दोनों थे। इन लोगों ने आपका मोबाइल फोन यूज किया था कंचन जी। और ये तस्वीरें आपकी स्टोरेज ड्राइव में आ गई? जी, जो फोन इन्होंने चुराया था वो वेव ब्रांड मोबाइल का था। उसका एक अपना ही साइबर स्पेस होता है, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स या माई स्पेस की तरह। तो कोई भी अगर उस फोन से कोई फोटोग्राफ खींचे तो वो ऑटोमेटिकली उस साइबर स्पेस में स्टोर हो जाती है। तो चोरी के बाद जितनी भी तस्वीरें ली गई हैं वो उस साइबर स्पेस में स्टोर हो गई। हादसे के बाद आज पहली बार आपने अपना स्टोरेज चेक किया? जी नहीं, हादसे के तुरंत बाद मैंने दूसरी कंपनी का मोबाइल फ़ोन लिया था। वो यूज़र फ्रेंडली नहीं था तो मैंने ये कल ख़रीदा, जो मेरे पहले वाले ब्रांड का है, वेव मोबाइल्स। स्टोरेज के साथ सिंक करने पर कंपनी से मैसेज आया स्टोरेज को अपग्रेड करने के लिए। मुझे अजीब लगा क्योंकि हादसे से पहले मेरा स्टोरेज फुल नहीं था। मैंने फोल्डर खोला तो ये सारे फ़ोटोज़ मुझे अपलोडेड मिले। सर्वेलेंस टीम 100% श्योर है, जब से कंचन चौधरी का फोन चोरी हुआ है स्विच ऑफ ही रहा है, मतलब
इन हमलावरों ने बिना सिम कार्ड डाले ही फोटोज खींची हैं। सिम कार्ड फोन में नहीं था तो फिर बिना सिम कार्ड के, बिना मोबाइल डेटा ऑन किए ये फोटोग्राफ्स फेव ड्राइव स्टोरेज में कैसे अपलोड हो गए? सर हो सकता है वाईफाई नेटवर्क के थ्रू अपलोड हुआ हो। चोरी हुआ फोन जब वाईफाई नेटवर्क के रेंज में आया होगा तो ये सारे फोटोज ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि सुराग अपने आप हमारी गोद में आकर गिरा है। तो ये है गिरोह की चाबी। लादेश, बांग्लादेश। सर इसके सर के इस तरफ देखिए, ढाका हो सकता है सर। इसीलिए रहजा बंगाली था, राइट? सर हमेशा रडार के बाहर रहे हैं इसलिए कोई लोकल खबरें इसे नहीं जानता। हो सकता है हमलावर वापस पहुंच गए हो ढाका बांग्लादेश। सर इंडिया में काफी गैर कानूनी बांग्लादेशी रहते हैं और काम करते हैं। और सर मेट्रो सिटीज में ही नहीं, ये देश भर के छोटे छोटे शहरों में भी रहते हैं। सर मेनली ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। अब हमारे पास इन चारों की शक्लें हैं, इनका ठिकाना मालूम है, बस अब हमें स्ट्राइक करना है, फास्ट और स्ट्राइक। रत्ना कैसी है? ठीक है, पहले से काफी ठीक है। काउंसलिंग काम कर रही है लगता है। बिल्कुल कर रही है, और जब से उसने उस हादसे के बारे में खुलकर बात की है उसके अंदर काफी चेंजेस आए हैं। क्राइम ब्रांच से फोन था, उन्हें पता चल गया है कि हमलावर कौन थे। बांग्लादेशी? फोटोग्राफ्स को ठीक से जूम करके देखने के बाद ढाका मालूम हो रहा है। वो लोग पकड़े जाने चाहिए जितेंद्र, ने कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना कर पाए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? तुम पुलिस से खबरी हो? हाँ। कुछ बताना है तुम्हें? हाँ तो बोलो। तुम आज एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आए थे और चार लोगों की फोटो दिखाई थी। हाँ हाँ गया था। ये चारों कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले एक आदमी के घर में रहे हैं, काम नहीं कर रहे थे पर रहे थे वहाँ, मैंने खुद देखा है उन्हें वहाँ। नाम चाहिए और किस आदमी के घर? वो भी था आज वहाँ पर, उसने फोटो देखा लेकिन पहचानने से साफ इनकार कर दिया। नाम बताओ। आबिद अंसारी। और आपका? अंसारी जी। सर ये राणा नगर में भी था, वहां भी ऐसी नाना कर रहा था कि कहीं देखा नहीं उन लोगों को। शायद भूल गया होगा, जब उल्टा लटकेगा तो सब याद आ जाएगा आबिद दादा को, है ना आबिद? सर हमको कुछ मालूम नहीं है, कोई हमको फंसा रहा है, आपको गलत बताया है सर। सर
भी ढाका से है। मालिक, हम मेहनत मजदूरी करने इधर आया है, कोई गलत काम नहीं किया। गलत तरीके से इंडिया में घुसा है, ये भी कोई कम गलत काम नहीं है। चल बेटा, तेरे साथ बाद में निपटूंगा। के बोल, ये चारों का है। नाम बोल चारों के। अकरम बेग, कलीम सईद, इरफान मिर्जा और ये वसीम मीर। कहाँ इस वक्त ये चारों? ये चारों अभी कहाँ है मुझे नहीं मालूम, पहले हमारे पास ही थे। यहाँ पहुंचे कैसे? वो हम इन्हें इधर बुलाया। तो तूने इन्हें ढाका बांग्लादेश से यहाँ बुलाया जोधपुर में? जी मालिक। जल्दी से जल्दी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है तुम लोगों के लिए। अभी कहाँ जाएंगे? आ जाते यही रुकेंगे, कल सुबह बंटवारा होगा उसके बाद निकल लेंगे। क्यों बुलाया इन्हें ढाका से यहाँ? इनमें से कलीम सैयद, ये हमारा दोस्त है, ढाका से हम लोग यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आए। साले, डकैती और रेप को मजदूरी बोलता है? जितेंद्र चौधरी का घर कैसे चुना? तूने अकेले चुना क्या, फिर कोई और भी था तेरे साथ? कोई और था। कौन? यास्मीन। पूरा नाम बोल। यास्मीन जाफरी। यास्मीन जाफरी, वो कचरे वाली? जी मैडम, वही। उसने पूरे घर की जानकारी ली और हमको दिया, हमने कलीम को और अकरम को बताया। सब यास्मीन रोहतक फरीदाबाद, वहां पर लूटने के लिए घर किसने ढूंढे? और तेरे ये चारों साथी कलीम, इरफान, वसीम, अकरम, कैसे पहुंचे वहां? वहां हमारा एक आदमी है, जुनैद। पूरा नाम? जुनैद शेख। मोबाइल नंबर? वो हमारे मोबाइल में होगा। ये ले, निकाल नंबर। पक्का ये वही जूनियर शेख है, इस पर मेरे दो बंदे नजर रखे हुए, शायद इस वक्त वो घर पे होगा। जी सब सब मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया? सब सब एक मिनट बात, कुछ बताओगे भी मैंने क्या किया? जुनैद, तेरी माँ को हमने बाहर बिठाया है, अब अगर तूने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया ना तो तेरी माँ से पूछने पड़ेंगे और वो जरूर बोलेंगे, समझ गया ना तू? बता, अकरम बेग, कलीम सैयद, इरफान मिर्जा और वसीम मीर इस वक्त कहाँ है? बोल! सर, सर मेरी अम्मी को कुछ मत करिए, उनको छोड़ दीजिए, मैं सब बताऊ। चल शुरू हो जा। फरीदाबाद और रोहतक दोनों जगह मैंने ही घर ढूंढे थे उनके लिए। अबे पहले ये बता, इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? इरफान और वसीम लखनऊ में, अकरम और कलीम के बारे में उन्हीं को पता होगा। लखनऊ में कहाँ? पता और नंबर होगा, जल्दी। नहीं तो अभी क्या, भी ठोक दूंगा तुम्हें। कलीम यही पर है लखनऊ में, बड़ा मस्जिद के पीछन वाला मोहल्ला में रहता है।
देख कलीम, तू यहाँ पर वैसे भी गैरकानूनी ढंग से रह रहा है। मैंने तुझे यहाँ पर ठोक भी दिया ना, तो कुत्ता पूछने नहीं आएगा यहाँ पर। चल बता, अकरम कहाँ है? बोल। ढाका। ढाका कहाँ? एड्रेस बोल। सर, उन चार में से तीन हमारी कस्टडी में हैं, उनके हेल्पर्स भी जो घर ढूंढने में उनकी मदद करते थे, लेकिन उनका लीडर अकरम बेग वो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि इस वक्त वो ढाका में है, एड्रेस है हमारे पास। अकरम क्यों लो आवाज़ कहो क्या ना यार उसको रहो इसे मैं क्यों बोलूँ तो वो जो तोर बंदूरा है ना वासीम इरफान और कलीम और देख इंडिया ते अरेस्ट कर रहा है अकुन तो के एकांत के पाठन होगे और तोरा जो की काज करिस हमरा सब जानी। इस गिरोह ने जो चार घर लूटे थे और चार गैंग रेप किए थे उनमें कोई पर्सनल एंगल शामिल नहीं था। चारों परिवार डॉक्टर्स वाले होना वाकई में महज एक इत्तफाक था। चारों घर सिर्फ इसलिए निशाना बनाए गए थे क्योंकि वहां से भाग निकलना आसान होता और उन घरों में इस गिरोह का विरोध करने वाला कोई नहीं था। साथ ही ये गिरोह इसलिए भी कामयाब हो पाया था क्योंकि उन्हें लोकल लोगों का सपोर्ट मिला था जिन्हें लूट का हिस्सा दिया गया था। ये चारों बांग्लादेशी युवक इंडिया में अवैध प्रवासी थे, नौकरी की तलाश में आए हुए जिन्हें जुर्म का रास्ता पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका लगा और अपनी हवस की घिनौनी प्यास बुझाने का भी। तो बस जो भी घर उन्हें आसान लगा अटैक करने के लिए वहां उन्होंने हमला कर दिया। जी, इसका मतलब हम लोगों से इनका कोई कनेक्शन नहीं था और बाकी के अटैक से भी कोई कनेक्शन नहीं। जी नहीं, आप लोगों में और उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। पहले रोहतक में, फिर यहां फरीदाबाद में दो बार और फिर जोधपुर में, हर जगह घर लूटे और उसके बाद वहां। पहले उन्होंने हर जगह लूटपाट की और फिर उसके बाद वही गिरोह ने जुर्म किया। अब मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, संभल कर जाना। डॉक्टर नरेश, हम मानते हैं कि हमें उन्हें बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन उनमें से तीन अब हमारी कस्टडी में और एक बांग्लादेश में, जिसके एक्सट्रेडिशन के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल कानूनी मामला है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम उसे इंडिया लाकर ही रहेंगे। कंचन जी, ये चार भयंकर संकीर्ण जुर्म नहीं होने चाहिए थे, लेकिन हुए, ये हम मानते हैं। लेकिन अब हम ऐसी तगड़ी चार्जशीट फाइल करेंगे इनके खिलाफ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। सर, उम्मीद ही है। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सबसे पहले आपने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी, अपने लिए इंसाफ मांगा। थैंक यू मैम। कंचन, तुम ना मुझसे ज्यादा, कई ज्यादा मजबूत हो। खौफनाक और विकृत जुर्म का यह सिलसिला तो पुलिस ने खत्म कर दिया, पर क्या इस तरह के जुर्म पूरी तरह से रोके जा सकते हैं? जुर्म पर पूरी तरह से अंकुश लगाना वास्तविक तौर पर संभव नहीं है, लेकिन इस केस में एक संगीन जुर्म होने के बाद भी वही जुर्म कई और बार दोहराया गया, उसी इलाके में भी और पास की कई अन्य जगहों में भी। इसमें दो राय नहीं है कि जुर्म को रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब जुर्म से लड़ने वाले तमाम सिस्टम्स पर लगाम इस तरह से कसी जाए कि जहां पूरे देश की पुलिस और प्रशासन के बीच में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन हो, जुर्म होते ही इंफॉर्मेशन तुरंत शेयर हो और एक्शन सख्त हो। साथ ही पूरी दृढ़ता और जिम्मेदारी से उन सभी कोशिशों को भी बढ़ाना होगा जो मुजरिमों को बेलगाम होने से रोके, फिर वो चाहे हिस्ट्री शीटर्स हों या नौसिखिए। इस केस के सभी आरोपी वसीम, इरफान, कलीम, अकरम, आबिद, जुनैद और यास्मीन को आईपीसी की धारा 307 के तहत अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, धारा 458 के तहत किसी के घर में घुसकर चोरी करने के लिए
और धारा 325 के तहत किसी को चोट पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इन पर विदेशी घुसपैठ के लिए फॉरेन एक्ट 13 और 14 भी लागू हुए हैं। इसके अलावा वसीम, इरफान, कलीम और अक्रम पर आईपीसी की धारा 376D के तहत गैंगरेप और धारा 497 के तहत अडल्ट्री के चार्जेस भी लगाए गए हैं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।